Rani led the successful defense of Jhansi against the invading armies of the neighboring Raja of Datia and Orchha. Rani ने इसमें अपने झांसी को डिफेंस अच्छी तरह किया रानी ने, और जो जिसमें इनकी हेल्प राजा नेबरिंग पड़ोसी राजाओं ने भी की, दतिया और ओरछा के। इन जून सिपाहीज अंडर जनरल वेलर इन कानपुर रिबेल वॉज बेसेंड द यूरोपियन इंट्रेचमेंट। वेलर वॉज नॉट ओनली अ वेटरन एंड रेस्पेक्टेड सोल्जर बट ऑल्सो मैरिड टू ए हाई कास्ट इंडियन वूमेन। जून में स्पाइस वेलर जनरल वेलर जो कानपुर में रिबेलियंस के यूरोपियन इंट्रेचमेंट कर रहे थे, तो वेटरन जो वो वेटरन भी थे, रेस्पेक्टेड सोल्जर भी थे, उन्होंने इंडियन हाई कास्ट में शादी भी की थी। ही हैड रिलाइड इन हिज ओन प्रेस्टिज एंड हिज कॉर्डियल रिलेशन विद नाना साहेब। उनकी अपनी एक पहचान भी थी और उनके अच्छे रिलेशंस भी थे नाना साहेब के साथ। टू थवार्ट रिवेलियन ही टुक कंपैरेटिवली ए फ्यू मेजर टू प्रिपेयर फोर्टिफिकेशन एंड ले इन सप्लाइज एंड कम्युनिकेशन। उन्होंने कोशिश भी की रिबेलियंस के साथ, उन्होंने तैयारी की, फोर्टिफिकेशन किया और सप्लाइज एमिनेशन भी सप्लाई किए। दिस बेस्ड इंजोर्ड 3 weeks ऑफ सीज ऑफ कानपुर विद लिटल वाटर और फूड, सफरिंग कंटिन्यूस कैजुअलिटीज टू मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ऑन जून 25 नाना साहेब मेड एन ऑफर ऑफ सेफ पैसेज टू अलाहाबाद विद बेरली 3 days राशन रिमेनिंग। जब इसमें जब सीज ऑफ कानपुर किया गया, उसे 3 weeks पहले वहाँ थोड़ा बहुत पानी था और उन्हें लगातार कैजुअलिटीज़ होती जा रही थी मैन वुमेन और बच्चों की, जिसमें नाना साहब ने एक ऑफर दिया था जो एक सेफ पैसेज था इलाहाबाद के लिए विद बेरली 3, जिसमें 3 दिन का राशन बाकी रह गया था। द ब्रिटिश एग्रीड प्रोवाइडेड दे वुड कीप द स्मॉल आर्म्स एंड दैट द एवेक्यूएशन शुड टेक प्लेस इन डे लाइट ऑफ द मॉर्निंग ऑफ द 27th। और जिसमें ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि अब इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए डे लाइट में ही 27th तक। द नाना साहेब वॉन्टेड द एवेक्यूएशन टू प्लेस इन द नाइट 26th, लेकिन नाना साहब ये चाहते थे कि यहाँ से लोग जाएँ तो रात में जाएँ। इवन अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 27 जून द यूरोपियन पार्टी लेफ्ट देयर इंट्रेचमेंट एंड मेड देयर वे टू द रिवर वेयर बोट्स प्रोवाइडेड बाई नाना साहेब वर वेटिंग टू टेक देम टू अलाहाबाद। वो अर्ली मॉर्निंग ये लोग निकले तो इन्हें बोट्स प्रोवाइड कर रखी थी नाना साहेब ने, जो इनके लिए वेट कर रही थी, जो इन्हें इलाहाबाद लेके जाती। इम्पॉर्टेंट लीडर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। ए लिस्ट ऑफ प्लेस एंड लीडर इज गिवन बिलो। सप्रेशन ऑफ अपराइजिंग। द रिवोल्ट ऑफ 1857 लास्टेड फॉर मोर देन अ ईयर। इट वॉज सप्रेस्ड बाय द मिडल ऑफ 1858। रिवोल्ट ऑफ 1857
एक साल से भी ऊपर चला और वो ख़त्म हुआ 1858 के मिड में। द ब्रिटिश सून रिकैप्चर द एरिया दे हैड लॉस्ट टू द रेबल स्पाइस। दिल्ली वॉज रिकैप्चर बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। ब्रिटिशर्स ने दोबारा वो एरियों को दोबारा से कैप्चर किया जो उन्होंने रेबेलियंस ने उनसे ले लिए थे। दिल्ली को दोबारा ब्रिटिश फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर वॉज टेकन टू प्रिजन एंड दिस एंडेड मुगल रूल। और बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया गया। ऐसा मुगल राज्य ख़त्म हो गया। मैनी रिबेलियंस लाइक रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर खान, बख्त खान, कंवर सिंह डाइड इन द बैटल फील्ड। बहुत सारे रिबेलियंस जैसे रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर, भक्त खान, कुंवर सिंह बैटल लड़ाई में ही मारे गए। तात्या टोपे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। तात्या टोपे को अरेस्ट किया गया और उनको फांसी पे लटकाया गया। मैनी ऑफ देम एस्केप टू नेपाल। सो इन दिस वे द ब्रिटिश सप्रेस ऑलमोस्ट द होल ऑफ द अपराइजिंग। और कुछ लोग तो नेपाल चले गए। इस तरह ब्रिटिशर्स ने इस अपराइजिंग को दबाने की कोशिश करी। फ्रॉम द एंड ऑफ 1857 द ब्रिटिश हैड बिगन टू गेन ग्राउंड अगेन। ब्रिटिशर्स ने दोबारा अपना ग्राउंड बनाना शुरू किया। ऑन जुलाई 8, 1858, 14 मंथ्स आफ्टर द ब्रेकआउट एट मेरठ, पीस वॉज फाइनली प्रोक्लेम्ड बाय कैनिंग। जब ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था मेरठ में, उसके 14 मंथ्स बाद फिर पीस फाइनली प्रोक्लेम की थी कैनिंग ने। लखनऊ वॉज रीटेकन इन मार्च 1858। On 8 July 1858, a peace treaty was signed and the rebellion ended. लखनऊ को दोबारा रीटेक कर लिया गया था, लेकिन 8 जुलाई को जो पीस ट्रीटी साइन की गई उसमें रिबेलियन ख़त्म कर दिया गया था। द लास्ट रिबेलियन वॉज डिफीटेड इन ग्वालियर ऑन जून 1858। लास्ट रिबेलियन जो हुआ है वो 1858 में हुआ है ग्वालियर में। फेल्योर। फेल्योर ऑफ द अपराइजिंग। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट चैलेंज दैट द ब्रिटिश हैड to face in India, although being a sprited and large scale uprising, it fails due to many reasons. The spoils lacked a common ideals before them, and as everyone fought in different parts of their country for their own reasons, the spoils in Delhi fought to recover the glory of the Mughals. In Gwalior and Kanpur, Nana Sahib was proclaimed a Peshwa and he fought to reclaim his lost glory. Rani Lakshmibai fought for her Jhansi. The orthodox section of among the Muslims and Hindus were concerned with their religions. रिवोल्ट ऑफ 1857 ये पहली चुनौती थी ब्रिटिशर्स के लिए बाहर इंडिया में, लेकिन ये लार्ज स्केल अपराइजिंग और स्प्राइटेड था, लेकिन ये कई कारणों से असफल हो गया। इसमें सारे सिपाही एक आइडियल के साथ नहीं लड़ रहे थे, वो अलग अलग कारणों से लड़ रहे थे। जैसे सिपाही जो दिल्ली में लड़ रहे थे वो मुग़ल
जो दिल्ली में लड़ रहे थे वो मुगल्स की रिकवर करना चाह रहे थे ग्लोरी को, और ग्वालियर में नाना साहब प्रोक्लेम कर रहे थे एज ए पेशवा, वो अपनी ग्लोरी को बचाना चाहते थे, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाना चाहती थी। इस अलग अलग कारणों से ये लोग लड़ रहे थे। ऑल दो द रिवोल्ट वॉज फेयरली वाइड स्प्रेड इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड बाई इट, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था लेकिन फिर भी इसका कुछ एरिया इससे बिल्कुल उसका असर नहीं था इस पर। द रिवोल्ट वॉज मेनली कन्फाइंड टू द दुआब रीजन, सिंध, राजपूताना, कश्मीर, और इसका असर ज़्यादातर दुआब रीजन, सिंध, राजपूताना का और कश्मीर पे था। मोस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब एंड सदर्न प्रोविंस डिड नॉट टेक पार्ट इन इट, और ज़्यादातर पंजाब के हिस्से और सदर्न प्रोविंस इसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। द रिबेल लैक एंड एफेक्टिव लीडर्स, नाना साहेब, तात्या टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई वर ब्रेव लीडर, नो डाउट, बट दे कुड नॉट ऑफर एफेक्टिव लीडरशिप टू द मूवमेंट एज ए होल एज दे फॉट टू लिबरेट देयर ओन टेरिटरीज ओनली। रिबेल्स जो थे, रिबेल्स को एफेक्टिव लीडर्स नहीं मिले। नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर ये बहादुर लीडर्स थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एफेक्टिव लीडरशिप नहीं दे पाए इस मूवमेंट को, एज दे ऑल फॉट टू लिबरेट दे ओन टेरिटरीज ओनली, उनका अपना ध्यान जो अपनी ही साम्राज्य के ऊपर था। द रिबेल लैक सोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मनी, द इंग्लिश ऑन अदर हैंड रिसीव्ड अ स्टर्डी सप्लाई ऑफ मैन मनी एंड मॉडर्न आर्म्स इन इंडिया। रिबेल्स जो थे उनके पास मैन आदमियों की भी कमी थी, पैसे की भी कमी थी, और ब्रिटिशर्स और इंग्लिश के पास, उनके पास आदमी भी बहुत थे और पैसा भी बहुत था। आफ्टर द अपराइजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया अंडरवेंट मेजर चेंजेस आफ्टर 1858 टू स्ट्रेंथन दे होल्ड ओवर इंडिया एंड प्रिवेंट अनदर कंट्री वाइड अपराइजिंग। ब्रिटिश पॉलिसीज इंडिया में चेंज हुई थी टोटली 1858 में, उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था ताकि ऐसा अपराइजिंग दोबारा इंडिया में ना हो सके। द रिबेलियन सॉ द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। रिबेलियंस को ये लग रहा था कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। इन अगस्त बाय द गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया एक्ट 1858, द कंपनी वॉज फॉर्मली डिजॉल्व एंड इट्स रूलिंग पावर ओवर इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के बाद फॉर्मली पूरी तरह डिजॉल्व हो गई थी और सारी पावर्स जो इंडिया के ऊपर थी वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई थी। ए ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द इंडिया ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू हैंडल द गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड इन हेड्स द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसमें एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, उसे कहते थे इंडिया ऑफिस, जो इंडिया की गवर्नेंस देखने के लिए बनाया गया था, उसका हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, वाज इंटरेस्टेड विथ फॉर्मुलेटिंग इंडियन पॉलिसीज। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गेंड अ न्यू टाइटल, वाइसराय ऑफ इंडिया। ये जो सेक्रेटरी बनाया गया था वो इंडिया की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए बनाया गया था। गवर्नर जनरल को एक नया टाइटल दे दिया गया था वॉइसराय का। ही
he was interested in implemented policy devised by the office. और वो उन्हीं policies को implement करता था जो India office बनाता था. In 1877, Queen Victoria took the title of Empress of India on the advice of Prime Minister Benjamin Disraeli. She ensured the rulers of princely state the government would not annex their territories. She promised not to interfere in the social and religious belief and customs of the people. उसमें उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया गया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़राइल की एडवाइस पर वो इंश्योर करती थी कि प्रिंसली स्टेट और गवर्नमेंट कोई कब्जा नहीं करेगी टेरिटरीज पर और इंटरफेरेंस नहीं करेगी सामाजिक धार्मिक और रीति रिवाज जो इंडियंस फॉलो करते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज विड्रॉन टू मेक रूलर्स और देयर अलायंसेज दे गिव देयर टाइटल्स एंड ऑनर्स. और उन्होंने रूलर्स को अपना साथी बनाने के लिए उन्हें टाइटल्स भी वापस कर दिए और उनके ऑनर्स भी. द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रिंसेस चीफ एंड पीपल ऑफ इंडिया issued by the Queen Victoria on November 1, 1858. ये proclamation उन्होंने princes, chiefs और people of India को दिया गया था विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया की तरफ से. We hold ourselves bound to our native of our Indian territories by the same obligation of duty which bind to us to all other subjects. उसमें उन्होंने कहा था जो भी obligation जिम्मेदारियां हैं वो सारी उसी तरह पूरी की जाएंगी सारे subjects के लिए. On the political level it was also felt that the previous lack of consultation between the rulers and the ruled had been another significant factor in contributing to the uprising. और उन्होंने political level पर ये सोचा कि जो राजा और ब्रिटिशर्स के बीच में विचार विमर्श नहीं होता था ये main factor था uprising का. In consequence Indians were drawn into government at a level. Through this was the limit on a limited scale a crucial precedent has been set with the creation of new white collar Indian allied. isme unhone Indians ko ke liye ek unhone government level par ek precedent banaya jisme unhone bahut small level par white collar Indian allied bana diya. Further stimulated by the opening of university at Calcutta, Bombay and Madras. उन्होंने universities खोली बॉम्बे में कैलकटा में और मैड्रास में. As a result, the Indian Universities Act. ये इसके लिए Indian University Act पास किया गया. So along with the side of values and traditional and ancient India, a new professional middle class was starting to arise in no way bound by the values of the past. अब इस ये universities खुलने से अब नए professional middle class start उठना शुरू हुए. इसे उन्होंने रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ रही थी past के. The other revolt like the revolt of 1857 would not recur. The whole army was recognized. अब ये दोबारा से revolt of 1857 होने वाला नहीं था क्योंकि सारी आर्मी recognized हो चुकी थी. Also the Indian army was to be used to defend the Indian territory
the empire from imperialistic power in the region. और जो आर्मी इंडियन आर्मी को यूज़ किया जा रहा था इंडियन टेरिटरी को बचाने के लिए, इंपीरियलिस्टिक पावर जो उनके रीजन में थी, रशिया, जर्मनी और फ्रांस. द इंडियन बेंच ऑफ द आर्मी वॉज टू बी यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. इंडियन ब्रांच ऑफ आर्मी को यूज़ किया जा रहा था एक्सपेंशन में एशिया के और अफ्रीका के. वाइल द ब्रिटिश सेक्शन वॉज टू बी यूज एन आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन, द अल्टीमेट गारंटेड फॉर द ब्रिटिश होल्ड ओवर इंडिया. और ब्रिटिश आर्मी सिर्फ आर्मी एज ए ऑक्यूपेशन ही देख रही थी और आखिर में गारंटी से उन्होंने पूरा होल्ड कर लिया इंडिया के ऊपर. द आफ्टरनाथ ऑफ द रिबेलियन हैज बीन द फोकस ऑफ न्यू वर्क यूजिंग इंडियन सोर्सेज एंड पॉपुलेशन स्टडीज. अब उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने इंडियन सोर्सेज और इंडियन पॉपुलेशन स्टडीज पर फोकस किया. द लास्ट मुगल एंड विलियम डायरम्पल एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर द सिटी वॉज रीटेकन बाय द ब्रिटिश एंड फाइंड द इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर द सिटी. लास्ट मुगल रूलर और हिस्टोरियन विलियम डैलरिफल ने यह अंदाज़ा लगाया मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में सब, और उन्होंने रीटेक किया था ब्रिटिश ने उसमें इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक कंट्रोल कर लिया था, शिफ्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स टू हिंदू हैंड्स. इसलिए उन्होंने उसे शिफ्ट कर दिया था मुस्लिम से हिंदू हैंड्स की तरफ. बिकॉज द ब्रिटिश एट दैट टाइम सॉ एन इस्लामिक हैंड बिहाइंड द म्यूटिनी. उन्हें यह लग रहा था कि इस म्यूटिनी के पीछे इस्लामिक हैंड है. द ब्रिटिश इंक्रीज द रेशियो ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स विद इन इंडिया, और उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स का रेशियो इंडिया में बढ़ा दिया था. फ्रॉम 1861 इंडियन आर्टिलरी वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश यूनिट. इंडियन आर्टिलरी को ब्रिटिश यूनिट में चेंज कर दिया गया था 1861 से, एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेन बैटरीज. द पोस्ट रिवेलियन चेंजेस फ्रॉम द बेसिस ऑफ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन अंटिल द 20th century. रिबेलियन से पहले जो चेंजेस हुए थे उसमें ब्रिटिश ने इजीली ऑर्गेनाइज कर लिया था अपनी मिलिट्री को. दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. आफ्टर दिस ग्रेट अपराइजिंग दे सॉ द यूनिटी बिटवीन ऑल द डिसीसिव फैक्टर ऑफ द रिवोल्ट. उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई की थी उससे उन्हें यह दिखाई दिया कि अगर डिवाइड एंड रूल करेंगे होने से तो इनमें और यूनिटी दिखाई देना शुरू हो गई. नेचर ऑफ द रिवोल्ट. द मूवमेंट द फर्स्ट बॉयज म्यूटेंट इन मेरठ. द नेचर ऑफ द स्कोप ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 वॉज कॉन्टेस्टेड एंड आर्ग्यूड ओवर. स्पीकिंग इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स इन जुलाई 1857. सबसे पहले जो बात शुरू हुई वो स्पॉइज म्यूटिनी जो मेरठ में शुरू हुई थी उसके बारे में आर्ग्यू किया जा रहा था हाउस ऑफ द कॉमन्स में. बेंजामिन डिसराइल लेबल्ड इट नेशनल रिवोल्ट. वाइल लॉर्ड पाल्मर्स्टन द प्राइम मिनिस्टर ट्राइड टू डाउन प्ले द स्कोप ऑफ द सिग्निफिकेंस.
बेंजामिन डिज़राइली इसको नेशनल रिवोल्ट बता रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसका स्कोप को कम कर दिया। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट एज मेरली मिलिट्री म्यूटिनी, उन्होंने कहा ये तो सिर्फ एक मिलिट्री म्यूटिनी थी। रिफ्लेक्टिंग द डिबेट एंड अर्ली हिस्टोरियन ऑफ द रिबेलियन चार्ल्स बॉल यूज द वर्ड म्यूटिनी इन द टाइटल बट लेबल इट ए स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस एज अ पीपल। इसमें उन्होंने कहा ये स्ट्रगल था, संघर्ष था आज़ादी के लिए जो लोग कर रहे थे। इट वॉज रेफर्ड एज ए स्पॉयज म्यूटिनी इन विच ए फ्यू स्पॉयज रिवोल्टेड। इसमें उन्होंने कहा कि ये स्पॉयज म्यूटिनी थी जिसमें कुछ ही लोग रिवोल्ट कर रहे थे। द पीपल वॉज सून सपोर्टेड बाय द पीपल ऑफ ऑल सेक्शन, बाद में ये रिवोल्ट सारे लोग इसमें और लोग भी जुड़ गए। इन दिस अपराइजिंग पीपल फ्रॉम बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी फाइट टुगेदर, इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स ने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी। यूनिटी अमंग डिफरेंट रीजन ऑल्सो एग्जिस्ट, और सारे रीजन के लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। सीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंडियंस हिस्टोरियन टर्न द अपराइजिंग एज ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जब उन्होंने देखा सारे इंडियंस एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो उन्होंने इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बताया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 पेव्ड द वे फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ने रास्ता दिखाया आगे आज़ादी की लड़ाई लड़ने का। दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर केयरफुली।